जो डोसा हम बनाते हैं उसी का मैंने यहाँ पे बैटर तैयार किया है। डोसा बनाने की रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसकी जो वीडियो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, और उसी में जो हम बैटर बनाते हैं उड़द दाल और चावल का, उसी से हमने ये बैटर तैयार किया। आज हम इसके बहुत ही टेस्टी और हेल्दी उत्पम बनाएंगे, और मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने कुछ इसमें वेजिटेबल ली है। एक छोटी साइज की शिमला मिर्ची से मैंने एकदम बारीक चॉप किया है, एक टमाटर छोटे साइज का उसे भी बारीक चॉप किया है, एक छोटे साइज का प्याज उसे भी बारीक चॉप किया है, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती और एक छोटी साइज की हरी मिर्च, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा हरी मिर्च इसमें हम नहीं डालेंगे। इन सभी वेजिटेबल को हम इस बैटर में डाल लेंगे। अगर आपको और भी कोई वेजिटेबल इसमें पसंद है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें काली मिर्ची डाल सकते हैं, हरी मिर्ची और डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आधी छोटी चम्मच। सभी चीज़ें हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके हम बहुत ही टेस्टी उत्पम तैयार करेंगे। हमने गैस पे एक नॉनस्टिक तवा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और उस पर हम थोड़ा सा रिफाइंड तेल ग्रीस करेंगे पूरे तवे पे। और उत्पम आप अपने साइज से, छोटे या बड़े, अपने पसंद से, जो भी साइज आपको पसंद हो आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक स्टील की कटोरी ली है, मैं पूरा एक कटोरी इसमें भर के बैटर लूंगी। मैंने पूरी कटोरी को बैटर को भर लिया है, अब हम इसे इस तरह से सेंटर में डालेंगे और इसे हम कटोरी से ही हल्का हल्का फैलाएंगे, क्योंकि उत्पम जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है और तभी जो खाने में और सर्व करने में अच्छा लगता है, इसे हमें हल्के हल्के कटोरी से फैला देना है। गैस को हम यहाँ पे मीडियम कर लेंगे और इसके चारों तरफ से हम इस थोड़ा सा रिफाइंड तेल और डाल के इसे एक मिनट तक सेक लेंगे। एक मिनट बाद में हम इसे पलट देंगे। एक मिनट तक हमने इसे मीडियम आंच पे सेका है, थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया था और आप देख सकते हैं ऊपर का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, और ये कहीं से भी चिपका नहीं है क्योंकि हम इसे नॉनस्टिक तवे पे बना रहे हैं। अब इसे हमें संभाल के इस तरह से पलट देना है, दूसरी साइड से भी हम इसे सेक लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम किनारों में इस तरह से डाल देंगे और हल्का हल्का ऑयल हम, अगर आप ऑयल कम खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ऑयल लगाएं, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और लगा देती हूँ। और दोनों साइड से हमें इसी तरह से इसे ब्राउन क्रिस्पी होने तक सेकना है। हमने इस तरह से इसे दबाते हुए दूसरी साइड से भी सेक लिए हैं पूरे दो मिनट तक, और आप देख सकते हैं कितना जालीदार ये बना है, क्योंकि हमने इसे डोसा का जो बैटर है उससे बनाया है। आप इस तरह से भी, कभी आपको सिर्फ उत्पम खाने का मन करे तो आप उड़द दाल चावल को भिगो के उस बैटर से आप सभी वेजिटेबल डालें, क्योंकि बहुत हेल्दी रहते हैं और इसे आप कभी भी शाम के स्नैक्स में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये सिका है। इसी तरह से हम दूसरा जो उत्पम है उसे भी सेक के तैयार कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड, तैयार है हमारा हेल्दी उत्पम। इसे आप बनाइए और इसे आप मूंगफली की चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी है, और ये आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।